फ्रेंड्स, मेरा नाम है शारदा। आप सभी का स्वागत है मोर टेस्टी फूड पर। आज मैं आपके साथ कच्चे केले से बनने वाली बर्फी की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे व्रत के साथ साथ किसी भी त्यौहार पर बनाया जा सकता है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले मिठाई बनाने के लिए यहाँ ये मैंने 2 कच्चे केले उबाल कर लिए हैं। प्रेशर कुकर में इन्हें 1 सीटी आने तक उबाल लिया है। अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं उबलने के बाद। अब इनका छिलका अलग कर लेंगे। केले जैसे ही थोड़े ठंडे होंगे तो इन्हें कद्दूकस से ग्रेट कर लेंगे। यहाँ मैंने गैस के ऊपर कढ़ाई रख ली है। इसमें 1 चम्मच देसी घी है, इसे डाल लेंगे। देसी घी की जगह हम वनस्पति घी भी डाल सकते हैं, लेकिन देसी घी में बनी मिठाई बहुत ही टेस्टी लगती है। अब जो हमने बॉइल्ड केले ग्रेट करके रखे हैं वो मेजरमेंट में 1 कप हुए हैं, इन्हें भी हम कढ़ाई में ही डाल लेंगे। घी के साथ केले को भूनना है, तभी मिठाई में बढ़िया सा टेस्ट आएगा। गैस की फ्लेम हम स्लो ही रखेंगे और 7 से 8 मिनट कंटिन्यूसली चलाते हुए केले को भूनेंगे, तभी बढ़िया सा टेस्ट मिठाई में आएगा। घी के साथ भूनने से मिठाई की सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी। इसे हम 7 से 8 दिन फ्रिज से बाहर रख कर खा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होने वाली। 7 मिनट केले को घी के साथ भूनते हुए हो गई है और देखिए ये अच्छे से भुन चुका है और इसने घी भी छोड़ दिया है, तो यही इसकी पहचान है कि हमारा केले अच्छे से घी में भुन चुके हैं। अब इसमें हम ये 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर है या नारियल का बुरादा, इसे डाल देंगे और 1 मिनट फिर से केले में मिक्स करते हुए भूनेंगे। केले को और नारियल के बुरादे को हम जो घी में भून रहे हैं उससे मिठाई का टेस्ट तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ मिठाई की सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी। ये 1/2 कप चीनी ली है, इसे भी डालेंगे। चीनी यहाँ हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। चीनी हमारी जल्दी से मेल्ट हो जाए तो ये 2 बड़े चम्मच दूध है, इसे डाल देंगे। दूध की जगह हम 2 बड़े चम्मच पानी भी डाल सकते हैं। आप सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए भूनेंगे। अगर आपका ड्राई फ्रूट डालने का मन हो तो इसी स्टेज पर बारीक कटे ड्राई फ्रूट डालकर मिक्स किए जा सकते हैं। आज हम केले से बर्फी बना रहे हैं तो थोड़ा सा ग्रीन कलर लाने के लिए ये 2 ड्रॉप ग्रीन फूड कलर है, इसे डालकर मिक्स करेंगे। फूड कलर पूरी तरह से ऑप्शनल है, इससे बर्फी के टेस्ट में कोई अंतर नहीं आएगा। कलर हम डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। कलर को अच्छे से मिक्स करते हुए मिलाएंगे। फ्रेंड्स, कच्चे केले से बनने वाली ये मिठाई बहुत ही टेस्टी मिठाई बनकर तैयार होती है। इसे हम व्रत में भी बनाकर खा सकते हैं और किसी भी त्यौहार पर बना सकते हैं। ये मिठाई बहुत कम खर्च में बनकर तैयार हो जाती है, तो जब भी आपका मीठा खाने का मन हो तो फटाफट से इस मिठाई को बनाया जा सकता है। अब इस मिठाई को बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए ये कितनी बढ़िया से हमारी मिठाई एक साथ डो की तरह इकट्ठी होती जा रही है, तो यही इसकी पहचान है कि ये हमारी अच्छे से केले वाला मिश्रण भुन चुका है और जमने की कंसिस्टेंसी में भी आता जा रहा है, तो इसे लगातार चलाते हुए हम भूनते रहेंगे। अब मिठाई बिल्कुल डो की तरह एक जगह इकट्ठा हो रही है और ये जमने की कंसिस्टेंसी में आ चुकी है, तो इस स्टेज पर हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। यहाँ मैंने बर्फी सेट होने के लिए एक ट्रे ली है, जिसे घी से ग्रीस करके लिया है। सारे मिश्रण को हम ट्रे में पलट लेंगे। अब इसे किसी भी चम्मच से या स्पैचुला से एक सार करेंगे और ऐसे ही किचन काउंटर पर सेट होने के लिए छोड़ देंगे। मिठाई को रखे हुए 1 घंटा हो चुका है और ये अच्छे से सेट हो गई है। अब हम अपने मनपसंद आकार में मिठाई के पीस काट कर तैयार करेंगे। पहले यहाँ मैं बीच से इस तरह एक सीधा कट लगाऊंगी और फिर इसे चौकोर साइज की शेप में मैं बर्फी काट कर तैयार करूंगी। बर्फी का एक पीस मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। देखिए कितनी बढ़िया से हमारी बर्फी बनकर तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स, अब तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपना फीडबैक लिखकर भी मुझे बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। फैमिली फ्रेंड्स में भी वीडियो को शेयर जरूर करें। आपने अभी तक मोर टेस्टी फूड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो
सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस करना ना भूलें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।